नारुतो वर्स में किसी शिनोबी के बॉडी में चाक्र फ्लो को लिमिट में रखने के लिए 8 गेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि किसी बांध के जैसे शिनोबी के बॉडी में चक्र फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं या फिर मेंटेन करते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल्स बॉडी के फुल पोटेंशियल के 20% तक यूज कर सकते हैं, बट विद एक्सटेंसिव ट्रेनिंग अ शिनोबी कैन लर्न टू रिमूव दिस लिमिट्स। इसी फिनोमिनल को कहते हैं ओपनिंग द गेट्स, जिसमें हर एक गेट के ओपन होने के साथ ही यूजर को ज्यादा से ज्यादा चक्र का एक्सेस मिलता है, जिससे यूजर का स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड ओवरऑल एबिलिटीज बढ़ने के साथ ही एक्सेस मिलते हैं कुछ नए टेक्निक्स को यूज करने की। 8 गेट्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, तो अब धोखा मत देना वरना बहुत सारे डिटेल्स मिस कर दोगे। फर्स्ट गेट, द गेट ऑफ ओपनिंग, काइमोन। फर्स्ट गेट का टेनकेत्सु लोकेटेड है ब्रेन में, जो कि यूजर के सारे मेल्टन इनहिबिटेशन को रिमूव करता है। इस गेट को ओपन करने के बाद यूजर फ्रंट लोटस टेक्निक का यूज कर सकता है। सेकेंड गेट, द गेट ऑफ रेस्ट, क्यूमोन। ये भी ब्रेन में ही लोकेटेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ हीलिंग। इसके बारे में ज्यादा कुछ तो स्पेशल है नहीं, लेकिन इसके नाम से ही आप गेस कर सकते हो कि ये करता क्या है। फर्स्ट गेट के ओपन होने के बाद बॉडी में आए डैमेजेस को रिपेयर करता है। इसके बाद है थर्ड गेट, द गेट ऑफ लाइफ, सेमोन। इसका टेनकेत्सु लोकेटेड है स्पाइनल कॉर्ड में। इसके ओपन होने के साथ ही यूजर का स्किन कलर रेड हो जाता है, पीपल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं एंड तेजी से ब्लड फ्लो होने की वजह से वेन्स फूल जाते हैं एंड यूजर को मिलता है रिवर्स लोटस परफॉर्म करने का मौका। अकॉर्डिंग टू नारुतो सीरीज फोर्थ गेट भी स्पाइनल कॉर्ड पे लोकेटेड है। हालांकि माइट गाय एंड रॉकली ने इसका यूज बहुत ही कम किया है। ये ओपन होने से यूजर का स्ट्रेंथ एंड स्पीड एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। फोर्थ गेट के ओपन होने से यूजर के टिश्यूज फट भी जाते हैं इन सम केसेस, सो जस्ट इमेजिन द पेन। फिफ्थ गेट, द गेट ऑफ क्लोजिंग, टोमोन, ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ लिमिट, लोकेटेड है एब्डोमेन में। इसके नाम से पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी के सारे लिमिट्स के बाहर यूजर के स्ट्रेंथ एंड पावर्स को इंक्रीज करता है, दूसरे शब्दों में सुपर ह्यूमंस। बट इस गेट से आगे बढ़ते ही रिकवर होने के चांसेस भी घटने लगते हैं। ये यूजर को इतना एक्सॉस्टेड कर देता है कि बॉडी ठीक से काम भी नहीं करता। सिक्स्थ गेट, द गेट ऑफ जॉय, केमोन, ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ व्यू, लोकेटेड इन स्टोमच। यूजर के स्पीड एंड पावर को इंक्रीज करने के साथ ही मॉर्निंग पीक यूज करने का एक्सेस देता है। ओपनिंग ऑफ दिस गेट रिलीजेस सच एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्रा दैट इट कैन कॉज नियर बाय वाटर बॉडीज टू फॉर्म अ वॉर्टेक्स अराउंड द यूजर। सेवेंथ गेट, द गेट ऑफ शॉक, क्यूमोन, ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ वंडर। यूजर के पावर्स एंड स्पीड इंक्रीज करने के साथ ही अलाउज द यूजर टू परफॉर्म डे टाइम टाइगर और द हिरोडोरा। यहाँ तक गेट ओपन करने के बाद यूजर के बॉडी से ग्लोइंग ब्लू स्वेट निकलता है, जो कि यूजर के ओन बॉडी हीट से इवेपोरेट हो जाता है, क्रिएटिंग अ ब्लू ऑरा अराउंड द यूजर। अनफॉर्चुनेटली इसको ओपन करने के बाद यूजर के मसल फाइबर्स को सीवियर डैमेज पहुंचता है, जिसके वजह से यूजर को छूने से भी इंटेंस पेन होता है। अंत में एट्थ गेट, द गेट ऑफ डेथ, सिमोन, लोकेटेड हार्ट में। इसे यूज करने के लिए एक स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है, जिसमें यूजर अपने हार्ट में एक छेद करता है विथ हिज थंब। गेट ओपन होने के बाद यूजर का हार्ट अपने मैक्सिमम स्पीड पे पंप करता है, ग्रांटिंग देम पावर 100 टाइम्स ग्रेटर देन देयर यूजुअल कैपेबल ऑफ, जो कि मेरे ख्याल से 5 कागज टुगेदर से भी ज्यादा है। यूजर के शरीर से ब्लड एमिट होने लगता है, जो कि यूजर को एक फ्लेमिंग रेड ऑरा देता है। एट्थ गेट यूजर के बॉडी को तब तक जलाता है जब तक बॉडी राख में तब्दील ना हो जाए, रिजल्टिंग डेथ। सो जस्ट इमेजिन द पेन, 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 फील पेन, कॉन्टेम्प्लेट पेन, accept pain, no pain, those who do not know pain will never understand true peace, and now this world shall know pain.